अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी बाइक के मुतल्लिक है। बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि आपने अपनी बाइक को जो मॉडिफाई किया है उसमें क्या क्या तब्दीली की है, तो मैंने सोचा कि आज उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप दोस्तों को पता चल सके मैंने उसमें क्या क्या मॉडिफाई किया और कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं बाइक। ये है मेरी वो बाइक जिसके ऊपर मैं अपने एडवेंचर ट्रैक जो है वो करता हूँ। इसकी जो इसके बारे जो मालूमात है, इसकी कैसी परफॉर्मेंस है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसके ऊपर मैंने बहुत मुश्किल ट्रैक भी किए हैं और ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। और मैं अब भी जब भी कोई ट्रैक का प्लान करता हूं तो इसी बाइक को लेके जाता हूं। और ये वाली हमारी बाइक है, ये वर्कशॉप के कामों के लिए है। इसके ऊपर मटेरियल वगैरह लाना हो तो वो हम लेंगे। इसकी वजह से जो है इसके जो सेफ गार्ड हैं वो काफ़ी हैवी रखे हुए हैं। और ये सारी जो बाइक मतलब वर्कशॉप के नाम ही हमने की हुई है। तो हम आते हैं अब मेन बात की तरफ। तो ये है हमारी 200 सीसी बाइक जी। दोस्तों ये रही मेरी 200 बाइक। तो अभी आपको इसके मतलब बताता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें मॉडिफाई किया हुआ है। तो आप सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। और उसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है, डिलक्स के इसका जो है वो व्हील है। और ये इंडिकेटर अभी मुझे याद नहीं है, शायद ये होंडा 100 के हैं और ये बड़े ही ज़बरदस्त हैं। इनका क्रोम अभी तक ख़राब नहीं हुआ, तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं मैंने ये लगाए हुए हैं। और ये जो वाइज़र है ये मैंने CB 150 का लगाया। और इसके ऊपर जो ये शील्ड है ये मैंने खुद डिज़ाइन की थी। इसकी पोस्ट शायद आपकी नज़रों से गुजरी हो। इसके मुकम्मल बनाने का तरीकाकार जो है वो मैंने दिखाया था। तो अभी ये तो पुरानी हो चुकी है काफ़ी और इसके जो स्टिकर वगैरह वो रिपेयर होने वाले हैं सारी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ये सेफ गार्ड का, तो आपको पता ही होगा ये आम मिल जाते हैं। और इसका जो डैशबोर्ड है उसके मतलब बताता चलूँ, इसकी जो ग्रिप है ये मैंने लोडर रिक्शे की लगाई हैं। एक तो ये सस्ती हैं और दूसरा इसमें वही वाले ऑप्शन है जो हमें चाहिए होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा बटन भी है, ये इंजन ऑन ऑफ है और ये सल्फ वगैरह का। और इसके जो हैंड गार्ड हैं ये तो आपको पता होगा, ये मैंने खुद बनाए हैं और काफ़ी ज़्यादा बना के मैंने सेल भी किए, मगर अभी जो है वो मसूफियत होती है तो इसलिए नहीं बना पाता। ये आप देख सकते हैं क्योंकि मेरी फैक्ट्री का जो गेट है वो इससे पूरी पूरी बाइक गुजरती है, तो रोज़ाना यहाँ पर लगती है। इससे आगे चलें तो इसका जो मीटर है वो डिजिटल मैंने लगाया, तो वो अभी आपको दिखाते हैं। ये चेक करें, ये इसका मीटर है। अच्छा, इसके मतलब मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा मीटर मार्केट में आए हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स के हैं, मगर ये वाला मीटर काफ़ी अच्छा रहा है। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया और अभी तक कोई इसको मसला नहीं हुआ। वाटर प्रूफ भी है और इसमें वो सारे ऑप्शन हैं जो के होते हैं। अच्छा, ये तो इसका आम मोबाइल होल्डर है, ये इसका चार्जर आ गया, ठीक है। और ये LED लाइट्स हैं। इसके ऊपर मैंने हैंडल बार लगाई है जिसके ऊपर आप अपनी LED लाइट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे इसके ऊपर ही इसके साइड मिरर आ गए हैं। इसके ऊपर ही वो हम चार्जर लगाएंगे, इसके ऊपर ही हम मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसकी जो फिटिंग है विंडशील्ड की वो मैंने साथ लगा दिया। इससे आगे आपको बताता चलूँ कि मैंने इसके ऊपर MP3 लगाई है, ठीक है, MP3 है। इसमें मेमोरी कार्ड, USB, ब्लूटूथ सारे ऑप्शन हैं इसमें। और इसके जो बफर हैं, इसके जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे फिट हुए हैं, यहाँ से इसका बड़ा अच्छा साउंड निकलता है, ठीक है। तो ये जो लाइट के लिए बटन है ये तो सिंपल, ठीक है। तो आगे इसकी जो टंकी है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्टाइलिश बाइक बनानी थी इसलिए मैंने इसकी जो टंकी है वो होंडा CB 150 की लगाई है। और जिसकी वजह से जो बाइक की लुक है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी लुक निकलती है बाइक की, और मुझे तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है इसलिए मैंने ये वाली इसकी जो टंकी है जो ये फिटिंग की हुई है। तो ये सारी जो मॉडिफाई है वो सारी इधर ज़ाहिर है वर्कशॉप में ही हुई है। और अच्छा, इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी मुझे कि इसके जो बैक व्हील है उसमें जो ब्रेक है ड्रम ब्रेक होती है, तो वो एक तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा उसकी निकलती है और दूसरा ये है कि वो टूर के दौरान बार बार उसको जो है वो ब्रेक को टाइट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो मैंने मॉडिफाई किया है वो इसमें डिस्क ब्रेक इंस्टॉल की है, ठीक है। तो ये डिस्क ब्रेक मैंने तकरीबन 2 साल हो गए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो इसकी भी मैंने एक वीडियो जो है वो YouTube पे डाली थी, आप वो भी देख सकते हैं इसका क्या तरीका कर, इस पर कितना खर्चा आएगा। और इसको मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाऊँ, तो इसमें ये पम्प सिस्टम है, ये इसको हल्का सा दबाना है और ब्रेक लग जाएगी। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, सिंपल मैंने इसके डिस्क पैड वो चेंज करने होते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम आते हैं साइड बॉक्स की तरफ। तो साइड बॉक्स जो है वो मैंने खुद बनाए, खुद डिज़ाइन किए और ख़ुद इनकी फिटिंग बनाई। ये स्टील हैं, स्टील के हैं
और शायद कि मैंने इसकी भी एक वीडियो या कोई पोस्ट, मुझे अभी याद नहीं है, करीबन 2-2.5 साल हो गए इनको भी बनाए, वो भी मैंने पोस्ट की थी ताकि आप दोस्तों के लिए एक रहनुमाई वाली पोस्ट थी ताकि आप वो दोस्त बना सके, बनाना चाहे तो वो बना सके। तो इसमें थोड़ा सा मैं अभी भी गाइड कर देता हूँ कि इसमें ये स्टील का, ठीक है, ये एलुमिनियम है। एलुमिनियम मैंने सस्ते वाला लगाया था इसलिए इसकी जो चमक है वो ख़त्म हो गई है। आपने अगर बनाने हैं तो आप इसमें जो बाहर का एलुमिनियम है जो अच्छी क्वालिटी वाला वो लगाइएगा, उसके ये है कि इसकी चमक नहीं ख़राब होगी। तो अभी मैं इसका क्या करना है, मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर लगा देना है ताकि थोड़ी सी लुक चेंज कर लें हम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी फैक्ट्री का जो दरवाज़ा है छोटे वाला, वो वहाँ से बाइक पूरी पूरी गुजरती है, तो वहाँ पे हैंडल पे जो है वो हैंड गार्ड टच होते हैं और यहाँ पे पूरा बॉक्स टच होता है। तो आप देख सकते हैं, ये एक दिन मैंने काफ़ी स्पीड से बाइक गुजारी, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मेरे जहन में नहीं था, और ये इसका ये टूट गया था। ये एलुमिनियम के हैं और अच्छा, इसकी मेरी ना बाइक की इसकी जो चाबी है वो गुम हो गई, इसलिए मैंने इसका ताला जो है वो तोड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें एक मज़े की आपको चीज़ बताता हूँ कि पूरा बॉक्स जो है वो सिर्फ़ एक बोल्ट के ऊपर आप उसको अटैच कर सकते हैं। एक बोल्ट खोलेंगे बॉक्स आपका उतर जाएगा, एक बोल्ट लगाएं बॉक्स फिक्स हो जाएगा। इसकी मैंने फिटिंग इस तरह की बनाई है। तो वो बोल्ट कौन सा है, जो सिंपल ये वाला बोल्ट है, ठीक है, आपको मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये वाला बोल्ट है, ये सिर्फ बोल्ट लगाना है और पूरा बॉक्स आपका फिक्स हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ और बताता चलूँगा, जो आपका टॉप बॉक्स है वो अक्सर उसका जो स्टैंड है वो टूट जाता है, तो उसमें मैंने ये किया है कि इसके नीचे सिंपल ये फिटिंग बनाई है और इसकी स्पोर्ट जो है वो नीचे इसके साथ अटैच कर दिया, दोनों तरफ इसी तरह ही है। उसकी वजह से इसकी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और आज तक जो है ना ये स्टैंड नहीं टूटा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि मैं क्योंकि स्पोक रिम में उनको ज़्यादा लाइक करता हूँ, उसकी एक वजह है, तो स्पोक रिम में सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो यही होती है कि इनको जंग लग जाता है और इनकी जो लाइफ है वो कम होती है। तो उसका जो हल है वो बहुत ही आसान है और मजबूत हल ये है कि हम इसको मैंने इसको एलुमिनियम का जो है वो व्हील डाला हुआ है, ठीक है। आप ये जो रिम है ये एलुमिनियम का है और जापान का बना हुआ है, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, लाइट वेट है, मोटी इसकी गेज है और ना तो इसको जंग लगता है और ना ही इसको कोई और मसला है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। हमने अपनी दूसरी बाइक को भी यही रिम डाला हुआ है, ये भी एलुमिनियम का है और मेड इन जापान है। अगर आप इसको लगाना चाहें तो आपने कभी भी चाइना का नहीं लेना, आपने जापान का अगर आपको मिल जाए तो वही आपने लगाना है। छोटी सी वीडियो थी आप दोस्तों के लिए ताकि आप तक मालूम पहुँच सके और मैंने क्या इसमें चेंजिंग की है। उम्मीद है आपको पसंद हुई होगी वीडियो, और मैं क्योंकि बाइक्स का मेरा काम नहीं है, ये मैंने सिर्फ अपनी बाइक के लिए टाइम निकाला और इसको मैंने किया, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी और अभी इस बाइक में कहाँ पर कोई कमी है, तो अभी मैं इंशाल्लाह उसको भी ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया।